में ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा कोरोना काल में जनता की भरपूर सेवा की जा रही है। इसी कड़ी में राजभवन से राज्यपाल ने ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा लगाए गए सैनिटाइजेशन के लिए 11 रथों को रवाना किया। कोरोना की दूसरी लहर का कहर इतना भयानक था कि संपूर्ण मानवता कराह उठी। ऐसे में नरसेवा नारायण सेवा की पर्याय बन चुकी ममता चैरिटेबल ट्रस्ट गरीब लाचार के लिए देवदूत बनकर दवाई व कोविड रिलीफ किट सहायता अभियान चलाया। 2 महीने से ज्यादा दिनों तक शहर के पूरे 110 वार्डों के जरूरतमंदों को लाखों की संख्या में कोविड किट, भाप मशीन, ऑक्सीजन आदि वितरित किए। कोरोना को हराने के लिए एक बार फिर से ममता फाउंडेशन ने कमर कस ली है। इसी क्रम में आज संपूर्ण शहर में कोविड मुक्त सैनिटाइजेशन महाअभियान के 11 रथों को महामहिम राज्यपाल ने राजभवन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्यपाल ने राजीव मिश्रा तथा उनकी पूरी ममता फाउंडेशन टीम को बधाई देते हुए कहा कि आप लोग बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हो, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। ममता ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लाचार मजलूम मजदूर और जरूरतमंदों के मसीहा राजीव मिश्रा ने बताया, 11 सैनिटाइजेशन रथ दिन रात पूरे लखनऊ में घर घर, बस्ती बस्ती, बाजार जाकर सैनिटाइजेशन करेंगे। ये अभियान तब तक चलता रहेगा जब तक संपूर्ण शहर सैनिटाइज न हो जाए। शुभारम्भ के इस अवसर पर ममता फाउंडेशन टीम ने कोरोना मुक्त शहर के लिए मानव श्रृंखला का निर्माण किया, जो राजभवन गेट संख्या 2 से विधानसभा तक लंबी श्रृंखला बनी। कार्यक्रम का संचालन संरक्षक ट्रस्ट डॉक्टर राजेश शुक्ला ने किया। मीडिया प्रमुख अभिषेक यादव ने बताया कि आज सारे रथों को पूरे शहर के अलग अलग क्षेत्रों में भेजा गया है, जो रोज सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक ज्यादा से ज्यादा एरिया को सैनिटाइज करेंगे। इस अवसर पर अमरजीत सिंह बाटू, राकेश भारती, प्रकाश मिश्रा, शीलू श्रीवास्तव, राजेश्वरी त्रिपाठी, प्रमोद शर्मा, सुमन शुक्ला, साधना जग्गी, अनीता वर्मा, डॉक्टर अंजना शर्मा, अरविंद मिश्रा, वीरेंद्र सिंह, महेंद्र राजपूत एवं शिवम मिश्रा ने अपना अमूल्य योगदान दिया। अशोक कुमार, लखनऊ, समाचार 24।